हेलो फ्रेंड्स, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाला हूँ। इस रेसिपी को आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, आप विथ बोन भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से नमक और विनेगर डाल के 2-3 टाइम धो लिया है, देखिए, और छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है, क्यूब्स में काटा है, और एक बाउल में ले लिया है। इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है। इसके साथ ही डालेंगे हल्दी, 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, बड़े चम्मच से लिया है, 1 टेबल स्पून डालिए। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही अब डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो आप देगी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश डालें। और इसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच दही, लगभग 150 ग्राम डाला है। दही को अच्छे से फेंट के डालें, लम्स नहीं होने चाहिए। और इसमें डाल दिया आपने तेल, 1 चम्मच तेल, और साफ हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने इसमें एक चीज़ मिस किया है, वो है लेमन जूस। अब इसमें तुरंत हम डालेंगे 1/2 लेमन, लगभग 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। एक शीट चला गया, इसको हम निकाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके लगभग कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 घंटे तक भी इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। एक गहरे तले के कढ़ाई को लिया है, आप चाहे तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कढ़ाई में लिया हमने लगभग 3 चम्मच रिफाइंड तेल और 1 क्यूब बटर। बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में बटर या घी बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। अब डालेंगे इसमें खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, सभी थोड़ी थोड़ी डाल दिए है। और थोड़ी देर तक इसको क्रैक होने तक वेट करेंगे, अच्छे से क्रैक होने दीजिए, जल्दीबाजी ना करें। और इसके साथ हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने स्लाइस में काट के रखा है, आप चाहे तो ब्राउन अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट प्याज को लिया है और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक। बहुत ज़्यादा कलर आने का वेट नहीं करना है, हल्का हल्का कलर चेंज होगा तो शुरू कर देंगे हम इसको आगे का प्रोसेस। 5 हरी मिर्च को डाला है मैंने स्पाइसी करने के लिए, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा मैं। इसमें डाल दिया है अब हरा धनिया और पुदीना, मिंट, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर लाता है बिरयानी में। और थोड़ी देर इसको भी देखिए, हमने इसको अच्छे से चला के पका लिया है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। गैस का फ्लेम थोड़ा लो रखिए, नहीं तो दही फटेगा। लो फ्लेम में सभी चिकन को डाल देंगे इसमें। हमने इसको 35 मिनट तक मैरिनेट किया है, आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फुल नाइट भी कर सकते हैं। और चिकन डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसको हाई फ्लेम में अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनता है। चिकन को हमने लगभग 3 से 4 मिनट तक इसी तरह खुले में चलाते हुए पकाया है। देखिए, काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है, जैसे कि बोला है, बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। और सभी मैरिनेशन को हमने इसी में डाल दिया है और हम इसको कवर करके पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट में पकाने के बाद देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आया है, चिकन अच्छे से पक चुका है। और बाकी प्रोसेस हम आगे का इसी में शुरू कर देंगे। हमने इसको ड्राई नहीं करना है। अब इसके ऊपर बॉयल राइस डाल देंगे। बासमती राइस को हमने 7 मिनट तक गर्म पानी में उबाला है। और उबालते समय थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए, नमक और तेल, उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और चिपचिपे भी नहीं होंगे। राइस को अच्छे से सेट करने के बाद थोड़ा सा बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। इसके साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसको ढक देंगे। ढक के हम लगभग 15 मिनट तक इसको स्टीम देंगे।
स्टीम देते समय अगर कढ़ाई पतली है तो इसके नीचे तवा रख दीजिए। देखिए 18 मिनट के बाद हमने इसको ओपन किया है। इसको देखिए साइड से इस तरह से उठाइए, इससे चावल टूटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और चिकन भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, वेस्ट से बहुत अच्छे से पका है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर लिखें आपको बिरयानी कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे।